हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं 27 और 28 मार्च के यूपीएससी के लिए एमसीक्यू कवर करूंगा। हमने मध्य प्रदेश पीएससी, गुजरात पीएससी, आंध्र प्रदेश पीएससी का कोर्स लॉन्च कर दिया है। साथ ही यूपीएससी ऑप्शनल और नबार्ड ग्रेड ए और यूजीसी नेट पेपर 1 का कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो studyiq.com विजिट कर सकते हैं। तो पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के बारे में। तो सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ये सबसे बड़ा एक्यूमुलेशन जोन है ओशन प्लास्टिक्स का इस दुनिया में। ग्रेट पैसिफिक, नाम से पता चल रहा है ये प्रशांत महासागर में है, और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि समुद्र के नीचे 80,000 मैट्रिक टन का जो प्लास्टिक है वो है, और लगभग 1.8 ट्रिलियन पीसीज हैं यहाँ पे प्लास्टिक के। टोटल 80,000 मैट्रिक टन का जो प्लास्टिक इकट्ठा हो गया है समुद्र के नीचे, इसको बोला जा रहा है द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ये बिल्कुल ठीक है। और ज़्यादातर जो इसमें प्लास्टिक है, ये बता देता हूँ आपको, इसमें जो 94% जो प्लास्टिक है वो माइक्रो प्लास्टिक है, यानी सूक्ष्म प्लास्टिक है। इस पैच को 1997 में डिस्कवर किया गया था चार्ल्स मोर के द्वारा। तो जैसा कि आप यहाँ अखबार की कटिंग में भी देख सकते हो, द पैच वॉज डिस्कवर्ड इन 1997 बाय चार्ल्स मोर। ये बिल्कुल ठीक है। ये पैच हवाई और कैलिफोर्निया के बीच में है एकदम, ये भी ठीक है, तीनों ठीक है इसमें। एक बात आपको और बता देता हूँ, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हुआ है इसका 20% हुआ है जो 2011 में जापान में सुनामी आया था, उसकी वजह से 20% कचरा जो है वो इसका, यानी जितना भी कचरा जो हम बता रहे हैं 80,000 मैट्रिक टन, इसका 1/5 हिस्सा यानी 16,000 मैट्रिक टन जो है वो जापान में आए हुए सुनामी की वजह से इकट्ठा हुआ था। तो इसका आंसर हो गया All are correct। एक चीज और बता देता हूं इसमें, प्लास्टिक के अलावा क्या है भाई। 94% तो चलो इसमें प्लास्टिक है, बाकी क्या है। बाकी इसमें जो मछली के जाल हैं, फिशिंग नेट बोलते हैं जिन्हें, रस्सी है, ऑयस्टर स्पेसर है, ईल ट्रैप है, क्रेट बास्केट वगैरह, ये सब है, यानी बेसिकली मछली पकड़ने का जो सामान होता है वो सारा है, तो वो भी इकट्ठा हो गया है। क्योंकि आपको याद होगा एक वर्ड घोस्ट नेट, अगर कोई पूछे कि भाई घोस्ट नेट क्या होते हैं और घोस्ट नेट खतरा क्यों है, हमारी जो कोरल रीफ है उनके लिए भी खतरा है घोस्ट नेट। और आपको बता देता हूँ क्या होते हैं ये। मछुआरे जो होते हैं मछली पकड़ते हैं, तो मछुआरे जब मछली पकड़ने जाते हैं तो कई बार वो अपनी जो मछली का पकड़ने का जो जाला है वो जाल समुद्र में ही फेंक देते हैं। कई बार वो अपनी मर्जी से नहीं फेंकते, कई बार वो टूट जाता है, कई बार तूफान की वजह से वो छूट जाता है, कई अन्य कारणों से जो कई बार ऐसा भी होता है कि वो बहुत भारी हो जाता है, टूट जाता है। तो जो मछली के जाल वगैरह समुद्र में बच जाते हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे समुद्री जानवरों और पौधों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन के उभर रहे हैं, इनको बोलते हैं घोस्ट नेट। क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एक प्रदर्शनी हुई अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन, ग्राफिक प्रिंट बायनल इंडिया, इसका नाम था प्रिंट बायनल इंडिया 2018, ये मुंबई में इनॉग्रेट हुआ। ये गलत है, ये नई दिल्ली में इनोग्रेट हुआ, तो पहला वाला गलत है। इसको होस्ट किया संगीत नाटक एकेडमी ने, नहीं, इसको होस्ट किया ललित कला एकेडमी ने। आप देख सकते हैं ललित कला एकेडमी है, ये क्वेश्चन पीआईबी से बनाया है। जो भारत सरकार है उसने ललित कला एकेडमी का जो मैनेजमेंट है उसका कंट्रोल ले लिया 2015 में, ये जो है ये ठीक है। ऊपर के 2 गलत हैं, सी ठीक है, आंसर है ओनली सी इज करेक्ट। इसमें आपको 2-3 चीजें बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए ललित कला अकेडमी के बारे में। ललित कला अकेडमी है क्या? ये हमारी भारत की राष्ट्रीय अकेडमी है कला की, नाम से पता चल रहा है कला। इसको बोलते हैं इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। ये एक स्वायत्तता मिली हुई है, ऑटोनोमस बॉडी है, नई दिल्ली में बनी थी 1954 में। और इसका काम क्या था? भारतीय कला को ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बल्कि अंतर्देशीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रमोट करो। इसकी फंडिंग करता है हमारा संस्कृति का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और अप्रैल 2015 में सरकार ने इसका मैनेजमेंट कंट्रोल ले लिया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जो ललित कला एकेडमी है उसके अंदर अपारदर्शिता है और आर्थिक तौर पे करप्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव इरेगुलरिटी है, तो ये है। और संगीत नाटक अकेडमी क्या है? ये हमारी आर्ट्स के लिए नहीं है, ये है म्यूजिक के लिए, डांस के लिए, ड्रामा के लिए, यानी नाट्यकला, संगीत, नृत्य, इनके लिए है हमारी। और ललित कला एकेडमी है आर्ट्स के लिए, इतना फर्क है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। गिद्ध की बात करते हैं। गिद्ध मतलब वल्चर।
तो डिक्लोफिनेक एक ऐसी दवाई है जिससे जो असम के जो वल्चर हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। इनफैक्ट आप जान के हैरान होंगे, सिर्फ एक दिन में 18 मार्च को 32 गिद्ध मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि ये जो 32 गिद्ध हैं इन्होंने एक बकरी को खा लिया और वो बकरी जो है उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिक्लोफिनेक था। ये बिल्कुल ठीक है। तो डिक्लोफिनेक वैसे तो बैन है इंडिया में जानवरों को देना, 2005 में ही बैन हो गई थी। ह्यूमन बींग्स ले सकते हैं, ओवर द काउंटर आराम से मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी दवाई की दुकान पर जाओ, डिक्लोफिनेक मिल जाएगी, आप खा सकते हो, आपको दर्द है तो। पेन किलर है, दर्द निवारक गोली है ये। प्रॉब्लम ये होती है जानवरों को जब खिला दी जाती है, और सस्ती बहुत है ये, बहुत सस्ती आती है, तो इसे जानवरों को खिलाया जाता है, जबकि जानवरों को खिलाने के लिए 2005 में बैन कर दिया गया था। अब डिक्लोफिनेक अगर आप जानवर को खिला दोगे तो क्या होगा? उसका दर्द तो चला जाएगा, पर डिक्लोफिनेक शरीर से आसानी से निकलती नहीं है, तो उसके शरीर में रह जाती है, और जब वो जानवर मर जाता है तो उसे गिद्ध खा लेते हैं, तो वो गिद्ध के शरीर में आ जाती है, और गिद्ध की बॉडी से पचा नहीं पाती, गिद्ध की किडनी फेल हो जाती है डिक्लोफिनेक से, और गिद्ध मर जाते हैं। 99% जो गिद्ध हैं भारत के मारे जा चुके हैं पिछले 40 सालों में डिक्लोफिनेक की वजह से, इतना ज़्यादा डेंजरस है। पहले तो पता ही नहीं चलता था कि क्यों मर गए, क्यों सारे गिद्ध खत्म हो गए, फिर बाद में पता चला भाई डिक्लोफिनेक की वजह से हुए। इसका एक ऑल्टरनेटिव ड्रग है मेलोक्सिकैम, अगर जानवरों को खिलाना हो तो आप ये वाली खिलाओ, मेलोक्सिकैम खिलाओ, गाय भैंस बकरी वगैरह को मेलोक्सिकैम खिलाओ, पेन किलर, ना कि डिक्लोफिनेक। मेलोक्सिकैम जो है ये सेफ है। भारत में 12 तरह के गिद्ध मिलते हैं, इनमें से 5 हैं जो विलुप्त प्राय जिप्स वल्चर होते हैं। नहीं, ये गलत है, भारत में 9 तरह के वल्चर मिलते हैं। जो वल्चर होते हैं वो साल में एक ही बार प्रजनन करते हैं और इनकी उम्र लगभग होती है 70 साल। ये बिल्कुल ठीक है, तो काफ़ी लॉन्ग लिविंग ये होते हैं, जैसे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी 70 साल के आसपास है। तो वल्चर गिद्ध जो होते हैं उतना ही जीते हैं जितना कि ह्यूमन बींग्स। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो गया, उसी हिसाब से देख लो। ए जो है ये ठीक है, बी गलत है, सी ठीक है। आंसर है ए एंड सी आर करेक्ट। और भारत में जो 9 तरह के गिद्ध मिलते हैं कौन से हैं ये? तो 5 तो ये हैं, वाइट रम्ड वल्चर। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन और बना सकता था कि भाई मैच द फॉलोइंग करो, भाई वल्चर का कॉमन नेम दे दिया और यहाँ साइंटिफिक नेम दे दिया और मैच करो, तो आपको ये पता होने चाहिए, इसका कोई याद रखने का तरीका बना सकते हो। 5 तो हैं जिप वाले वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर जिसको बोलते हैं जिप्स इंडिकस, तो इंडिया से बना इंडिकस, तो ऐसे याद रख लो इंडियन वल्चर। स्लेंडर बिल्ड वल्चर जिप्स टेन्यूरोस्ट्रिस, हिमालयन वल्चर को बोलते हैं जिप्स हिमालयनसिस, ये याद रखना बड़ा आसान है क्योंकि इसमें जो स्पीशीज का नाम है वो है हिमालयन। यूरेशियन ग्रिफॉन जिप्स फल्वस, योगे 5। 4 और कौन से हैं? एक है बियर्डेड वल्चर जिसको बोलते हैं जिपेटस बारबेटस, सिनोरियस वल्चर, इजिप्शियन वल्चर और रेड हेडेड वल्चर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। अब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? जो आपके मोबाइल फोन का कचरा, बैटरी का कचरा, आपका कैलकुलेटर खराब हो गया वो फेंक दिया आपने, आपके कंप्यूटर का कचरा, आपके माउस खराब हो गया वो फेंक दिया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। प्रॉब्लम ये होती है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मान लो आपने पानी में डाल दिया तो क्या होगा, नदी में फेंक दिया, तो जो ये इसमें से जहरीले जो धातु हैं वो निकलेंगे, जैसे लेड निकलेगा, जैसे कैडमियम निकलेगा, जैसे मरकरी निकलेगा, क्रोमियम निकलेगा, हेक्सावेलेंट क्रोमियम बोलते हैं जिसे, वो निकलेगा। ये सारे डेंजरस हैं। लेड में आपको पता होगा कितना डेंजरस है बॉडी के लिए लेड, मरकरी के लिए आपको जानते होंगे मीनामाटा कन्वेंशन का भारत हिस्सा बना है, पहली मीटिंग हुई थी इसकी मीनामाटा कन्वेंशन, मरकरी का पारे का यूज़ कम करो, जहरीला होता है। अब थर्मामीटर मान लो आपने मुंह में लिया बुखार नापने के लिए और थर्मामीटर चबा लिया आपने, अब वो पारा आपकी बॉडी में चला गया तो फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि थर्मामीटर में मरकरी लगा होता है, पारा लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, यानी इसको जो ताकत मिलती है एक एक्ट से मिलती है, अधिनियम से मिलती है, ना कि संविधान से, संविधान में नहीं है। भारत की रैंक है पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट करने के मामले में, ये कहा यूनाइटेड नेशन ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर ने, ये ठीक है। नए रूल बनाए हैं सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए, सरकार का टारगेट ये है कि हर साल 10% इंक्रीमेंट होगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्शन में 2023 तक, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर है बी एंड सी आर करेक्ट, 10%, मतलब इस बार अगर 10% हम इकट्ठा कर रहे हैं, अगले साल 20, अगले साल 30, तो उस तरह से इंक्रीमेंटल 10%। मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए जो रूल बने हैं वो क्या है। देखो जो पुराने रूल हैं उनके हिसाब से क्या था, उनके हिसाब से ये था कि जो इलेक्ट्रॉनिक बनाने वाली कंपनियां हैं, समझ गए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती हैं, जो माउस बनाती है, लैपटॉप बनाती हैं, सब बनाती हैं, इनको कम से कम, ध्यान से सुनो, फोन, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन जितने भी बिकते हैं उसका 30% इन्हें रिसाइकल करना पड़ेगा। समझ में आया? रिसाइकल करना पड़ेगा। अब
इसको कम करके 10% कर दिया है और हर साल 10% बढ़ा दिया है। मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, ये देख लो, ये एकदम क्लियर हो जाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक बनाने वाली कंपनियां हैं उन्हें 10% जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो रिसाइकल करना पड़ेगा। जो 2017-18 जो वित्तीय वर्ष अभी खत्म हुआ है 31 मार्च को, उसमें अब जो चल रहा है 1 अप्रैल से, उसमें 20% 10-10 बढ़ाते जाओ 2023 तक। क्लियर हो गया? लेकिन इस साल की अगर मैं बात करूं जो खत्म हुआ है, तो अक्टूबर 2017 में ये रूल लागू हुए, तो इस साल का तो 6 महीने का टाइम हो गया, तो इसलिए 5% है। और 2023 के बाद 70% जो वेस्ट जनरेशन है वो इन्हें कलेक्ट करना पड़ेगा और उसको रिसाइकल करना पड़ेगा। ये हैं ये रूल्स, तो इनको आप याद रख सकते हैं। अगर मान लो किसी कंपनी ने, अगर किसी कंपनी ने रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, तो 1,00,000 रुपए का जुर्माना, 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना या 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से उसे फाइन देना पड़ सकता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। सावरा पेंटिंग होती है जो, इसको बनाने वाले लोगों को बोलते हैं इडिताल। सावरा पेंटिंग को बोलते हैं इडिताल और बनाने वाले लोगों को बोलते हैं इडितालमार। ये ठीक है। सावरा पेंटिंग जो है इसे बनाता है लंजिया सावरा समुदाय, ट्राइब, अनुसूचित जनजाति है लंजिया सावरा जनजाति, और ये मणिपुर की है, तो बी गलत है, ये उड़ीसा की है, साउथ उड़ीसा की है ये। तो आंसर है इसका ओनली ए इज करेक्ट। तो सावरा एक विशेष किस्म की पेंटिंग होती है, इस पेंटिंग को इडिताल बोलते हैं और बनाने वाले को इडितालमार बोलते हैं। इनके बारे में एक दो चीज़ और बता देता हूँ। इसमें अलग अलग चीज़ें बनाते हैं ये लोग, ये जैसे इसमें जोडिसम बनाते हैं, विलेज डीटी बोलते हैं जिसे, मडुसुम सन गॉड, जनन गलोसुम विंड डीटी, और ये सब बनाई जाती हैं इसमें, और ये जीवन और मृत्यु को दिमाग में रख के बनाई जाती हैं। और ये जो लोग हैं, जो रहती है सावरा जो हैं, ये रहते हैं उड़ीसा में, दक्षिण उड़ीसा के बंसाधारा नदी के आसपास। उड़ीसा की वैसे जब बात हो रही है, तो एक उड़ीसा की ट्राइब और न्यूज़ में आई थी, शायद मैंने पहले बताया हो, मैनकेडिया। मैनकेडिया ट्राइब उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में रहती थी। क्लियर है? उड़ीसा का सतकोसिया टाइगर रिजर्व में रहती थी मैनकेडिया, इनको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है, इसलिए ये मैनकेडिया ट्राइब भी न्यूज़ में आई थी। उड़ीसा में दो ही टाइगर रिजर्व हैं, एक तो है सतकोसिया, दूसरा कौन सा है? दूसरा है सिमलीपल टाइगर रिजर्व। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने अप्रूव करा है, इसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? जितना भी पैसा पीने का पानी उस पर खर्च होगा, उसका 10% उन जगहों पे खर्च होगा जहां पे अनुसूचित जनजातियां काफी ज्यादा रहती हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब डोमिनेटेड एरिया जो है, जो अनुसूचित जनजाति बहुल इलाके हैं, उनमें 10% फंड खर्च होंगे टोटल फंड के। ये बिल्कुल ठीक है। उड़ीसा जो है ये वो राज्य है भारत का जहां पे सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति बहुल इलाके पीने का पानी जहां पे उनके पास है। ये गलत है। सबसे ज्यादा कौन सा है? दूसरे नंबर पे उड़ीसा है, तीसरे नंबर पे है झारखंड, पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश भारत का वो राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा जो पीने के पानी की व्यवस्था है उन इलाकों में जहां पे अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। तो बी गलत है। तीसरा ये है कि नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम को रिवाइज करा है सरकार ने, और उन्होंने ये कहा है कि भारत में जितनी भी ग्रामीण जनता है, जितनी भी रूरल पॉपुलेशन है, सबको पाइप्ड वाटर सप्लाई मिलेगा। जैसे गांव वगैरह में आजकल भी लोग क्या करते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं, कोई नहर से निकालता है, कोई कुछ करता है, तो उनको पाइप से मिलेगा पीने वाला पानी। कब तक? 2035 तक। ये है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ये बिल्कुल गलत है। ये 2035 तक नहीं है, ये है 2030 तक। तो बी और सी गलत है, सिर्फ ए ठीक है। आंसर है ओनली ए इज करेक्ट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। मोताई नई ये एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है वेस्टफुल। तो ये गलत है, ये जापानी शब्द है। जो भारत में दूतावास है फ्रांस का, उसने ब्लू स्काई इनिशिएटिव स्टार्ट करा है हवा प्रदूषण को रोकने के लिए, ब्लू स्काई। नहीं, ये गलत है। ये भी कराए जापान की एम्बेसी ने। जापान जो है वो 3 चीजों का इस्तेमाल करता है कचरा प्रबंधन के लिए,
इनको बोलते हैं 3 R, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, ये ठीक है। तो इसका आंसर है सी, मतलब सी ठीक है इसमें, ए और बी, एक मिनट, ए और बी गलत है, सी ठीक है, ओनली सी इज करेक्ट, तो आंसर थर्ड हो गया। और आपको बता देता हूं, जापान में एक शहर है ओसाका, ये कचरा प्रबंधन सबसे अच्छा करता है यूनाइटेड नेशन के हिसाब से, और भारत में अल्पुजा। तो ये 5 शहर है पूरी दुनिया में, जैसे काजी का था, जैसे ये था, तो 5 शहर यूनाइटेड नेशन ने सिलेक्ट किए थे कचरा प्रबंधन में, उसमें जापान का था ओसाका शहर, जो कचरा प्रबंधन बहुत अच्छा करता है। अब आते हैं नए क्वेश्चन पे। न्यू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, ये 1 अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगी, ये ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, जो मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल है, ये वजन के हिसाब से होती है, कई अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, जैसे वजन वगैरह। तो मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल जो हैं, उनकी जो लाइफ है, जिनकी 20 साल की, वो एलिजिबल हैं स्कीम के लिए, ये ठीक है, दोनों ठीक है, आंसर है, बोथ आर करेक्ट। आपको बता दूं, ये न्यू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, गाड़ियाँ प्रदूषण करती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और गाड़ियाँ जितनी पुरानी होती हैं उतना ज़्यादा प्रदूषण करती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो हमारी सरकार क्या चाहती है कि भाई पुरानी गाड़ियों को आप जो है क्या करोगे, पुरानी गाड़ी, बताओ आपके पास कोई गाड़ी हो गई 21 साल हो गए, तो क्या करोगे उसका, आप उसे या तो रद्दी वाले को दे दोगे, यानी उसका स्क्रैप जो है, स्क्रैप मतलब क्या है, उसके सारे पुर्जे वुर्जे निकाल के बेच दो, या उसको किसी के पास ले जाओ, उसके सारे पुर्जे वुर्जे निकाल लो, उसको स्क्रैप जो है उसके हिसाब से कर दो। जैसे 70,000 से 80,000 गाड़ियाँ भारत में वो स्क्रैप उनका बेच दिया जाता है हर साल, उनको डिसमेंबर करके, या फिर आप उसमें उसको वैसे बेच दोगे, गाड़ी को पुरानी हो गई तो किसी और को बेच दोगे, ऐसा भी कर सकते हो, बहुत पुरानी गाड़ी को बहुत सस्ते दाम में बेच दोगे, ये सब चीज़ आप करोगे तो उससे नुकसान होता है। सरकार ने ये कहा है 1 अप्रैल 2020 से क्या होगा, दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। एक तो आपको पता होगा, 1 अप्रैल 2020 से भारत में भारत स्टेज 6 फ्यूल हम यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, और दिल्ली में तो 1 अप्रैल 2018 से ही भारत स्टेज 6 फ्यूल यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। पूरे भारत के लिए डेडलाइन है 1 अप्रैल 2020, दिल्ली के लिए 1 अप्रैल 2018, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पूरे भारत से काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ और हुई है 1 अप्रैल 2020 से, कि सरकार ने कहा है कि भाई 20 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी जो है उन्हें चलने नहीं देंगे। अब कस्टमर जो है 20 साल से पुरानी गाड़ी को यूज़ करना बंद करे, इसके लिए क्या क्या सरकार प्रोविजन बना रही है। पहला, 3 तरह के इंसेंटिव दे रही है। एक तो GST कम लगेगा, अगर आप नई गाड़ी खरीदोगे तो GST कम लगेगा। दूसरा, आपका जो कचरा है गाड़ी का, जो 20 साल पुरानी गाड़ी बच गई आपकी, उसके बदले आपको अच्छा पैसा मिल जाए। और तीसरा, नई गाड़ी जो आप खरीदोगे उस पर आपको 15% तक का ऑफ मिल सकता है। उसके लिए गाड़ी निर्माताओं से बात चल रही है, एक्सचेंज ऑफर एक तरह का, पुरानी गाड़ी लो, नई ले लो, नई में 15% का ऑफ ले लो। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो भारत स्टेज 6 फ्यूल है, वो भारत स्टेज 6 फ्यूल ही 15-20% महंगा होगा जो अभी का जो ईंधन है, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपकी जेब से उतना ही पैसा निकलेगा। अभी हम कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ईंधन यूज़ कर रहे हैं, भारत स्टेज 4 यूज़ कर रहे हैं, और भारत स्टेज 5 पे नहीं जाएंगे, हम सीधा 6 पे जंप करेंगे, कब, 2020 में, 1 अप्रैल 2020 से। और 1 अप्रैल 2020 से ही लागू हो जाएगी न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी, तो अल्टीमेटली उतना फायदा आपको नहीं होगा, लेकिन सरकार फिर भी कोशिश कर रही है कुछ ना कुछ ऐसा करें कि भाई, सरकार ने एक डिसीजन तो पक्का ये कर दिया है, 20 साल से पुरानी गाड़ी को नहीं चलाने देंगे, उनका कोई रजिस्टर्ड, जिनकी भी रजिस्ट्रेशन मतलब 20 साल पहले से ज़्यादा है तो वो नहीं चलेंगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आपने नहीं समझा तो फिर बहुत बड़ा एक आपके जो ज्ञान है उसमें कमी रह जाएगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कई चीज़ें हो रही हैं भारत में। एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात का कुछ हिस्सा, काठियावाड़ एरिया जो है, यहाँ पे कपास उगती है, कॉटन बहुत ज़्यादा उगती है काली मिट्टी में, जिसको रगूर बोलते हैं, ब्लैक सॉइल, जो कॉटन के लिए अच्छी मानी जाती है। भारत में कपास में कीड़ा लग जाता था, बॉलवर्म का कीड़ा, पिंक कलर का होता है ये कीड़ा, ये इसमें देख लो, ये रुई में लगा हुआ है, इसमें पिंक कलर का गुलाबी रंग का कीड़ा होता है, और ये पूरा ख़त्म कर देता है कॉटन को। अब आई कंपनी मॉन्सेंटो, उन्होंने कहा हमने एक ऐसी कॉटन बनाई है, हमने बेसिकली कुछ नहीं करा, कॉटन ले लिया और कॉटन में एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थुरीजेनेसिस, इसका जीन डाल दिया, इसे नाम दे दिया बीटी कॉटन, क्योंकि इसमें बीटी का जीन डला, यानी बैसिलस थुरीजेनेसिस का जीन डाल दिया। बीटी कॉटन खरीदो तो क्या होगा, बीटी कॉटन अगर आप खरीदोगे तो बॉलवर्म का कीड़ा नहीं लगेगा,
ये कहा मॉन्सेंटो ने। भारत में सिर्फ 2% एरिया ऐसा था जिसमें बीटी कॉटन लोगों ने उगाना शुरू करा और बाद में 96% पहुंच गया, यानी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में किसानों ने बीटी कॉटन को उगाना शुरू कर दिया। क्लियर है यहां तक कहानी क्लियर है। इस वैरायटी को बोलते थे बोलगार्ड वन। अब यह सवाल यह कह रहा है कि बोलगार्ड द्वितीय या BG2, ये मॉन्सेंटो की सेकेंड जनरेशन इंसेक्टिसाइडल टेक्नोलॉजी है कॉटन के लिए, ये सक्सेसफुल हुई है पिंक बॉलवॉर्म इन्फेस्टेशन के खिलाफ। अब देखिए, जब पहले थी बोलगार्ड वन, बाद में आई बोलगार्ड टू, उन्होंने मॉन्सेंटो ने कहा भाई बोलगार्ड टू और भी अच्छी है, इसको यूज करो, क्योंकि बोलगार्ड जो वन है इसमें फिर कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया था दोबारा, और कई और तरह के कीड़े लगने स्टार्ट हो गए थे जिन्हें सुपर बग वगैरह बोलते हैं, और एक व्हाइट फ्लाई लगनी स्टार्ट हो गई थी, सफेद रंग की फ्लाई। तो बॉल गार्ड टू यूज करना स्टार्ट कर दिया, इसमें भी 2014 के बाद से कीड़े लग रहे हैं, तो ये पहला ऑप्शन गलत है, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल प्रूव नहीं हो पाई है। अमेरिका जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता है कॉटन का, ये बिल्कुल गलत है। पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है। अब इस कहानी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। ये देख लो, ये कपास है, कपास में कीड़ा लगा हुआ है, ये कीड़ा भी आपको दिख रहा होगा इसमें गुलाबी रंग का बॉलवर्म। अब देखिए क्या हुआ और ये सारी क्या चीज है। तो जो मॉन्सेंटो कंपनी है उन्होंने कहा कि जो बॉल गार्ड आप उसे उगाओ, और बॉल गार्ड का भी अब हमने सेकेंड जनरेशन बना दिया है जिसको बोलते हैं बोलगार्ड टू, ये आपको पिंक बॉलवॉर्म से बचाएगा। तो शुरू में तो ठीक था कुछ टाइम तक, लेकिन बाद में फिर वही दिक्कत स्टार्ट हो गई, फिर इसमें कीड़े लगने स्टार्ट हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब ये कंपनी लेके आई है बोलगार्ड थ्री, ये थर्ड जनरेशन है, कह रही और भी अच्छा है ये, और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वगैरह इन्होंने तो बोलगार्ड थ्री को ऑलरेडी यूज करना स्टार्ट भी कर दिया है। चाइना की बात करें ये भी बोलगार्ड थ्री यूज कर रही है, लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि बोलगार्ड टू में भारत में तो कीड़ा लग गया और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और चाइना में कीड़ा नहीं लगा। तो ये है सारा आर्टिकल कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे काफी लंबी कहानी है, वो मैं समझाऊंगा आपको। देखो समझो बात को, पहले आई बोलगार्ड वन, इसमें कुछ हद तक भारत में ठीक थी, बाद में कीड़े लगने शुरू हो गए, फिर मॉन्सेंटो आके बोली भाई अब और अच्छी लेके आए हैं BG2, अब इसको यूज करो, भारत ने इसको भी यूज करना शुरू कर दिया। तो BG2 भारत ने कुछ समय तक यूज करी, लेकिन 2014 के बाद फिर इसमें कीड़े लगने स्टार्ट हो गए। तो अब ये मॉन्सेंटो कह रही है हम BG3 लेके आए हैं, अब इसको यूज करना स्टार्ट कर दो। सवाल ये है कि ठीक है BG3 हम यूज करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम BG2 यूज कर रहे हैं, और BG2 में कीड़ा लग क्यों रहा है, जबकि अमेरिका में नहीं लग रहा BG2 में कीड़ा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं लग रहा, चाइना में नहीं लग रहा। तो इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, और वो ये कि मॉन्सेंटो कंपनी ने एक बड़ा गेम खेला, इन्होंने भारत में हाइब्रिड वैरायटी बेचनी स्टार्ट करी BG2 की, इन्होंने ओपन पॉलिनेशन वैरायटी स्टार्ट नहीं की। अभी पॉलिनेशन क्या होता है ये सब बहुत डीप कंसेप्ट है, स्टैमिन से कार्पल में जब वो ट्रांसफर होता है पोलन तो उसे बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी जो पौधे प्रजनन करते हैं वो पॉलिनेशन से करते हैं। तो ओपन पॉलिनेशन वैरायटी यूज हो रही थी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, और ये शॉर्ट वैरायटी थी, शॉर्ट सीजन वैरायटी, यानी भारत में किसानों को जो हाइब्रिड वैरायटी थी बहुत लंबे टाइम तक उगानी पड़ती थी, 160 से लेकर 200 दिन तक कॉटन उगानी पड़ती थी, तब जाके रुई की फसल अच्छी होती थी। तो ये बहुत लंबा सीजन होता है, जितना लंबा सीजन होता है उतना ज्यादा जो बॉलवर्म होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है किसके, जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड जो ये जो वैरायटी है BG2। तो BG2 क्या है, BG2 में वो इन्होंने एक तरह से कीटनाशक जो है उसका काम करती है ये, और इसमें कीड़ा जो है वो लंबे समय तक एक्सपोज में रहता है, तो वो एक लेवल आता है जिसके बाद वो कीड़ा रेजिस्टेंट हो जाता है और फिर इसको प्रभावित करना स्टार्ट कर देता है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। अब भारत की में ये कह रहे हैं साइंटिस्ट कि एक काम करते हैं BG2 की बजाय BG1 में चले जाते हैं वापस, क्योंकि जो BG1 था इसमें कंपैरेटिवली शॉर्ट वो था साइकिल, कंपैरेटिवली शॉर्ट था ग्रोइंग सीजन, लेकिन साइंटिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो BG2 है वो कई और तरह के कीड़ों से बचाता है, ना सिर्फ बॉलवॉर्म, तो अब हम आगे जाएंगे BG3 की तरफ जाएंगे, BG1 की तरफ वापस नहीं जाएंगे। तो ये एक साइंटिस्ट में भी आपस में एक वो हो रही है कि भाई कौन सा ज़्यादा ठीक है, और बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत बढ़िया आर्टिकल है ये। तो इसमें लिखा है यहाँ पे कि 160 दिन से लेकर 300 दिनों तक कॉटन उगानी पड़ती है, जो कॉटन ग्रोइंग सीजन है वो लॉन्ग होता है भारत में, और जब बाद में मान लो कोई किसान 200 दिन के लिए उगा रहा है तो शुरू के 100 दिन तो कुछ नहीं, बाद के 100 दिन में कीड़ा खा जाएगा पूरी कॉटन को, खेत के खेत तबाह हो जाते हैं।
तो जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है वो भारत को लेनी चाहिए थी मोनसेंटो से, पर वो भारत ने नहीं ली। ये भारत की बहुत बड़ी गलती थी। ये बात है पहले की, 2002 की। अब इसमें साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जो बीजी टू वैरायटी है वो कई और तरह के कीड़ों से बचाती है, जैसे टोबैको कटवाम है, अमेरिकन बॉलवर्म है, इनसे बचाती है, और इसलिए हमें पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए। जब पूरी दुनिया बीजी थ्री की तरफ जा रही है तो हम वापस बीजी वन की तरफ क्यों जाएं? तो इस चीज़ पे मतलब जो है वो काफ़ी आपस में बहस चल रही है। तो आई होप ये पूरा आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। और बीजी टू में अब क्या दिक्कतें आ रही हैं, बीजी टू में कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि नए नए सुपर बग्स क्रिएट हो रहे हैं, ये सुपर बग जो हैं इनका कोई इलाज भी नहीं है। तो इससे ये पता चलता है अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए वो चीज़ सफल हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती। अब आते हैं आज के आखिरी सवाल पे, इचित्योसिस क्या होता है? देखो पहले आपको बता देता हूँ इचित्यो मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूँ इचित्योलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फिश, मछलियों को जब कोई पढ़ता है उसे बोलते हैं इचित्योलॉजिस्ट। मछली भी दो तरह की होती हैं, एक होती है कॉन्ड्रिचिथिस, ये कार्टिलेजनस मछलियाँ होती हैं, और एक होती हैं ऑस्टिचिथिस, यानी ये होती हैं हड्डियों वाली मछलियाँ, बोनी फिशेस बोलते हैं इन्हें, ये इनमें बोन होती है। कॉन्ड्रिचिथिस में बोन नहीं होती, इनमें कार्टिलेज होता है। तो इचित्योसिस क्या, ये एक आनुवांशिक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है त्वचा का। इसमें हमारी जो त्वचा है वो बहुत ज़्यादा सूख जाती है और वो स्केली हो जाती है। जैसे मछली का आप वो देखो बॉडी, उसमें शरीर पे स्केल्स होते हैं, तो ऐसी स्केली स्किन हो जाती है, बहुत ही वैसा डिजीज होता है ये, बहुत रेयर है, उतना कॉमन नहीं है। और ये बेसिकली प्रॉब्लम इसमें ये है, इसके लिए जेनेटिक मैपिंग हमें करानी पड़ती है। जेनेटिक मैपिंग बहुत कॉस्टली है, 50,000 रुपये तक स्टार्टिंग है जेनेटिक मैपिंग अगर आपको करानी है, ये देखने के लिए कि कोई आपको जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है। वो कोई कराता नहीं है भारत में, गरीब जनता है हमारी, तो इस वजह से इसका कोई इलाज भी नहीं है। और 60-70%, अब इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है, इंडिया में कम होता है, यूरोप में ज़्यादा होता है ये, तो इंडिया में उतना होता नहीं, तो इस पर कोई रिसर्च वगैरह भी नहीं है। और हम जो जेनेटिक मैपिंग यूज़ कर रहे हैं उसमें हम जो ढांचा यूज़ कर रहे हैं वो यूरोप का कर रहे हैं, तो यहाँ पर डायग्नोसिस ढंग से नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल 60-70% जो म्यूटेशन होते हैं जीन में, यानी जो तब्दीलियाँ होती हैं जीन में वातावरण की वजह से, फिनोटाइप जीनोटाइप जो डिटरमाइन करते हैं जीन में म्यूटेशन हो जाते हैं, यूरोपियन पॉपुलेशन में वो भारत में नहीं मिलते, ये ठीक है। और इंडो यूरोपियन, द्रविडियन, तिब्बतो बर्मीज और ऑस्ट्रो एशियाटिक, ये चार लिंग्विस्टिकली ग्रुप हैं जो जेनेटिक रिसर्च के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं, ये भी ठीक है। अगर पूछे भारत में जो रेस है वो कौन सी है, तो आंसर है कोकासॉइड। हमारी जो रेस है आप उसे कोकासॉइड या कोकेशियन बोल सकते हैं, एशियन नहीं है हमारी, हमारी है कोकासॉइड या कोकेशियन, बिल्कुल हमारी यूरोप की तरह। यूरोप और जो भारत में लोग रहते हैं हर तरह से सेम है, सिवाय स्किन कलर को लेके, बाकी सारी चीज़ सेम है, चेहरे की बनावट वगैरह, कई चीज़ होती हैं जो आपकी रेस डिटरमाइन करती हैं, जैसे आपकी नोज़ की जो शेप है, आपकी जो आँखें हैं, आपका जो स्किन कलर है, तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती हैं आपकी रेस क्या है। तो हमारी जो रेस है वो कौन सी है, कोकासॉइड। और जो नॉर्थ ईस्ट में लोग रहते हैं वो हमसे अलग क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो रेस अलग है, वो है मंगोलॉयड, वो मंगोलिया वगैरह से आए थे तो मंगोलॉयड है वो, और हमारी है कोकासॉइड। जो नॉर्थ इंडियंस वगैरह हैं उनकी है कोकासॉइड, साउथ इंडियंस की भी कोकासॉइड है, लेकिन कोकासॉइड की एक वैरायटी होती है जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलॉयड। तो साउथ इंडिया के जो लोग हैं उनकी आप बोल सकते हो कोकासॉइड सब वैरायटी ऑस्ट्रेलॉयड। तो इसमें तीनों ठीक है, आंसर है ऑल आर करेक्ट। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगला जो वीडियो होगा वो 29, 30 और 31, उसमें 3 दिन के MCQ होंगे और फिर मार्च खत्म हो जाएगा, वो इस वीडियो के ठीक 1 घंटे बाद आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सारे वीडियो देखें, एक भी मिस ना करें। अगर आप ये सारे वीडियो देख लेते हैं पिछले जब से मैंने स्टार्ट करा है जनवरी से, तो मेरे को नहीं लगता UPSC प्रीलिम्स में कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल केक वॉक होगा और हंसते हुए बाहर आओगे एग्जाम के सेंटर में। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।